हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप अपने एफिलिएट मार्केटिंग के लिए लैंडिंग पेज बना सकते हैं। अगर आप एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं क्लिकबैंक से या डीजी स्टोर 24 से और कहीं से भी, तो आपको लैंडिंग पेज की ज़रूरत पड़ती है। वही इस वीडियो में सीखेंगे कि कैसे आप एक लैंडिंग पेज बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपने कंप्यूटर पे क्रोम खोल लीजिए। क्रोम पे लिखिए wix.com। यहाँ से आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा आपके पास। अगर आपने साइनअप नहीं किया तो साइनअप कर लीजिए। मैंने पहले से साइनअप कर रखा है, तो ऐसा इंटरफेस आएगा साइन इन करने के बाद। उसके बाद यहाँ से आप क्रिएट न्यू साइट पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, क्लिक करने के बाद ऐसा कुछ आएगा, व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट शुड बी दिस बी। यहाँ से आप अदर कर दीजिए, उनको तो लैंडिंग पेज बनाना है। ठीक है, यहाँ से आप अदर से रख दीजिए। इसके बाद आ रहा है चूज हाउ यू वांट टू क्रिएट योर वेबसाइट। यहाँ से क्रिएट योर वेबसाइट विद द एडिटर पे क्लिक कर दीजिए, एडिटर टेम्पलेट पर यही सिलेक्ट करिएगा। ऐसा कुछ आएगा, यहाँ से बहुत सारे टेम्पलेट आएंगे। ठीक है, यहाँ से आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। यहाँ से बहुत सारे लैंडिंग पेज दिया हुआ है, यहाँ से आप डायरेक्ट लैंडिंग पेज भी सर्च कर सकते हैं। आपको सिर्फ लैंडिंग पेज बनाना है तो यहाँ से आप, इसमें भी बहुत सारे टेम्पलेट दिया हुआ है wix.com पे लैंडिंग पेज। यहाँ से ये देखिए लैंडिंग पेज मैं आपको दिखा देता हूँ। लैंडिंग पेज यहाँ से आप, लैंडिंग पेज आ रहा है देखिए यहाँ से कैटेगरी में, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी आपको बहुत सारा टेम्पलेट दिया हुआ। चलिए मैं ब्लैंक से सिखाता हूँ आपको। यहाँ से आप ब्लैंक टेम्पलेट पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से आप ब्लैंक टेम्पलेट पे, आपको मैं ब्लैंक से स्क्रैच से सिखाऊंगा आपको मैं कैसे बनाते हैं। स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ये देखिए एडिट पर क्लिक कर दीजिए। ये थोड़ा ओपन होने में थोड़ा समय लगेगा। उससे पहले आप क्लिक बैंक पर कहीं भी आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। उससे पहले ये थोड़ा ओपन होने में समय लगेगा, तब तक आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए मैं अपने क्लिक बैंक पर चले जाता हूँ। क्लिक बैंक पर मैंने साइन इन कर लिया है। आप अपना प्रोडक्ट सिलेक्ट कर लें, जो भी आपको प्रोडक्ट सेल करना है, जिसके लिए आपको लैंडिंग पेज बनाना है, वो सिलेक्ट करके रखें। यहाँ से मैं कर लेता हूँ, आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए, मैं कोई भी कर लेता हूँ एक। यहाँ से मैं कर लेता हूँ, यहाँ से कस्टम डाइट, यहाँ से मैं कस्टम कीटो डाइट कर लेता हूँ। आप जो भी कर सकते हैं, जो भी सेल करना है आपको। मैं बस आपको दिखाने के लिए एक एग्जांपल के तौर से ले लिया है। यहाँ से ये देखिए इसका ऐसा है, आप जो भी आप ले सकते हैं। आप तो जानते ही होंगे, यहाँ से कमीशन दे रहा है, एवरेज कमीशन। यहाँ से अगर आप नहीं जानते तो मैं इसके पे वीडियो बनाऊंगा, सारे सीरीज बनाऊंगा एक क्लिक बैंक पे, इसलिए आप सब्सक्राइब करके रखें। ठीक है, उसके बाद ये देखिए एवरेज दे रहा है, कमीशन दे रहा है इतना। हर प्रोडक्ट पे अलग अलग कमीशन है यहाँ पे। चलिए विक्स पे चलता हूँ मैं, इस पर अभी थोड़ा समय लग रहा है। ये मैंने सिलेक्ट कर लिया प्रोडक्ट, आप भी अपना कर लें। चलिए अब
चलते हैं wix.com पे। यहाँ से ओपन हो जाएगा। ये देखिए कुछ ऐसा आएगा आपको भी। यहाँ पे आप ये देखिए ऐसा कस्टम है। यहाँ से आप हेडर आ रहा है, हेडर का तो कोई ज़रूरत नहीं है उसमें, बस यहाँ से आप हेडर पे सिलेक्ट कीजिए। यहाँ से आप साइज़ जो है हाइट का 0 कर दीजिए, ठीक है, इंटर। ये देखिए हेडर हट गया, हेडर कोई ज़रूरत नहीं है, लैंडिंग पेज बना रहे हैं तो। यहाँ से देखिए कुछ नहीं है, बस ऐसा ही है। आपका जैसा प्रोडक्ट में रहेगा आप सेम बनाना है, जितना सेम बना सकते हैं आप उतना अच्छा रहेगा लैंडिंग पेज, ठीक है। ये देखिए इसका अगर बैकग्राउंड इमेज चाहिए तो यहाँ से आपको राइट क्लिक करिए। राइट क्लिक करने के बाद इंस्पेक्ट कीजिए, इंस्पेक्ट पे क्लिक कर दीजिए। इंस्पेक्ट करने के बाद यहाँ से देखिए एलिमेंट्स, यहाँ से कंसोल, यहाँ से सोर्स आएंगे, सोर्स पे क्लिक कर दीजिए। सोर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ से आप देख रहे हैं इमेज आएगा, इमेज पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से आप देखिए ये देखिए बैकग्राउंड इमेज आ गया। ये लोगो, लोगो मत लीजिएगा, ये लोगो कॉपीराइट आ सकता है आप में। यहाँ से आप बैकग्राउंड इमेज ले सकते हैं। यहाँ से राइट क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करें, कॉपी इमेज URL सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद नया टैब खोल के उस पर आप पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद इंटर। ये देखिए ऐसा, इसको आप सेव कर लीजिए। यहाँ से आप जहाँ भी सेव करना चाहते हैं सेव कर लीजिए, ठीक है। सेव करने के बाद यहाँ से आप अपने wix.com पे आ जाइए। इसको मैं कट कर देता हूँ यहाँ से, ये देखें। उसके बाद यहाँ से चेंज बैकग्राउंड इमेज आएगा। यहाँ से देखिए चेंज पेज बैकग्राउंड, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। उस पर क्लिक करने के बाद ये ऐसे देखिए आएगा। यहाँ से कलर इमेज, इमेज का एक यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो भी अगर आपके जो जिसने आप जो भी आपने प्रोडक्ट सिलेक्ट किया है उससे अगर रिलेटेड है सेम है तो वहाँ सेलेक्ट कर, यहाँ से इमेज कर लीजिए, नहीं तो आप इमेज कर लीजिए। यहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं। चलिए मैं अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से, यहाँ से आप अपलोड कर लेता हूँ मैं। आप जो भी प्रोडक्ट सिलेक्ट किए हैं उसके अनुसार कर लें। यहाँ से अपलोड मीडिया पर क्लिक कर देता हूँ मैं। यहाँ से अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, जहाँ भी आपने सेव किया है वहाँ से आप अपलोड कर लें। चलिए मैं कर लेता हूँ यहाँ से, मैंने यहाँ सेव किया था इस पर आप मैं अपलोड कर लेता हूँ। देखिए ये देखिए अपलोड हो गया। इसके बाद आप अपलोड हो गया, यहाँ से आप चेंज बैकग्राउंड पे क्लिक कर दीजिए, ये टोटल अपलोड हो जाएगा। ये देखिए आ गया, यहाँ से आप कट कर दीजिए, यहाँ से आप कट कर दीजिए इसको भी। अब देखिए आ रहा है यहाँ से, इसको कट कर देते हैं, नहीं ऐसा आ गया। बैकग्राउंड इमेज सेम आ सकते हैं, आप यहाँ से बैकग्राउंड भी ले सकते हैं, बैकग्राउंड की आपको कोई टेंशन नहीं है। अब लिखना है आपको टेस्ट कस्टम कीटो डाइट। चलिए बनाते हैं यहाँ से कस्टम कीटो डाइट, लिखता हूँ मैं। ठीक
ठीक है, ऐसा ही बनाना है बिल्कुल एकदम ऐसा, अगर जितना सेम बना सकते हैं बना सकते हैं, ठीक है, तभी लगेगा, अच्छा लगेगा देखने में, तभी आपको सेल आएगी। यहाँ से आप देखिए, चलिए विक्स पे चलता हूँ मैं। उसके बाद यहाँ से आप कस्टम कीटो डाइट, इस पर आप प्लस पे साइन कीजिए, प्लस देख क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको यह देखिए मेन्यू आएगा, यहाँ से आप टेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। टेक्स्ट करने में यहाँ से आप ऐड हेडिंग वन, ऐड हेडिंग टू, यहाँ से आप हेडिंग टू कर लीजिए, थोड़ा अपना लैंडिंग पेज जैसा भी दिखेगा आपको यहाँ से देखिए, ये देखिए थोड़ा हेडिंग टू टाइप लग रहा है इसलिए मैंने हेडिंग टू लिया है, आपका जैसा भी रहेगा उसके अनुसार आप ले सकते हैं। यहाँ से मैं एडिट टेक्स्ट पे चले जाइए, एडिट टेक्स्ट में यहाँ से कट करता हूँ इसको, आप कस्टम किटो, कस्टम किटो डाइट, यहाँ से मैं कस्टम किटो डाइट लिख लिया, यहाँ से थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं, ठीक है, ये मैंने कर दिया। यहाँ से आप ये देखिए कस्टम यहाँ वाइट कलर से लिखा हुआ है, चलिए मैं यहाँ से इसको कट कर देता हूँ। यहाँ से मैं इसको कस्टम को एडिट टेक्स्ट पे चल जाइए, कस्टम को सिलेक्ट कर लीजिए, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप कलर पे आ जाइए, ये यहाँ से कलर पे टेस्ट क्लिक कीजिए, यहाँ से आप कलर सिलेक्ट कर लीजिए, जो भी आपका कलर लैंडिंग पेज को बनाना है, अपने जिसने जिस तरह से प्रोडक्ट सेलेक्ट किया है उसी अनुसार करें। यहाँ से आप थोड़ा ड्रैग करके ऊपर ले आइए, ठीक है, कस्टम कीटो डाइट ये हो गया। उसके बाद है, इसके बाद आ रहा है गेट योर कस्टम कीटो डाइट प्लान, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं। इसको कॉपी करने के बाद सेम वही आपको करना है, प्लस साइन पे जाना है, ठीक है, वही टेक्स्ट पे जाना है आपको, ऐड हेडिंग टू, आप वन भी ले सकते हैं अगर आपके लैंडिंग पेज थोड़ा बड़ा टेक्स्ट है तो ले सकते हैं, मैं अपने अनुसार लिख रहा हूँ। यहाँ से आप एडिट टेक्स्ट कर ले, एडिट टेक्स्ट पे जाके यहाँ से कैंसिल करें इसको, फिर पेस्ट कर दीजिए। ये देखिए थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ ताकि सेम टू सेम लगे, यहाँ से मैं और बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं बड़ा कर लेता हूँ, यहाँ इतना ठीक है। ये देखिए कि इट योर कस्टम किटो, यहाँ से डाइट प्लान थोड़ा नीचे है, हाँ डाइट प्लान नीचे, अब इसको करना है थोड़ा लाइन में कर लेते हैं, यहाँ से अलाइनमेंट कर लेता हूँ मैं बीच में थोड़ा, ये देखिए डाइट प्लान आ गया बीच में। उसके बाद थोड़ा ड्रैग करके थोड़ा इसके कस्टम किटो डाइट के नीचे कर लेता हूँ, ये देखिए हो गया। अब इसका कलर है वाइट, टेक्स्ट का कलर वाइट है, मैंने वाइट कर लेता हूँ। एडिट टेक्स्ट पे जाएं आराम से, वही आपको बस सिंपल ऐसा ही आ जाएगा, आपको वहीं पे कॉपी करना है, यहाँ पे आप कलर चेंज कर लीजिए वहीं से आप वाइट कलर, ठीक है, वाइट कलर करके यहाँ से मैं देखिए थोड़ा सा बोल्ड था, आई थिंक बोल्ड कर देता हूँ, यहाँ से देखिए बोल्ड है ना, इसलिए मैंने बोल्ड कर दिया ताकि सेम टू सेम लगे थोड़ा। गेट योर कस्टम कीटो डाइट प्लान, उसके बाद आपको इसको स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा आपको, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, विंडोज प्लस प्रिंट स्क्रीन, यहाँ से मैं स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ से मैंने ले लिया। उसके बाद आप यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा अपने वेबसाइट पे, यहाँ से आप उसी प्लस पे चले जाइए, जैसे मैंने बताया था आपको, प्लस पे जाने के बाद यहाँ से आपको मेनू में आके इमेज का आएगा, इमेज पे क्लिक कर दिए। इमेज पे आने के बाद यहाँ से देखिए माय इमेज अपलोड्स, उस पर आप क्लिक कर दीजिए,
पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आप अपलोड मीडिया कर सकते हैं। जैसे अभी अपने मैंने बैकग्राउंड इमेज किया था वैसे ही अपलोड यू फ्रॉम कंप्यूटर। यहाँ से आपने जहाँ भी सेव किया था स्क्रीनशॉट जहाँ भी है आपका वहाँ से आप अपलोड कर दीजिए। मैं चलिए मैंने स्क्रीनशॉट पर चले जाता हूँ। जहाँ भी आपने स्क्रीनशॉट पे आप चले जाए स्क्रीनशॉट पे नीचे आ जाता हूँ मैं। इसको मैं अपलोड कर लेता हूँ यहाँ से। थोड़ा इसको क्रॉप करना पड़ेगा, इसी में हो जाएगा क्रॉप। यहाँ से ये देखिए क्रॉप एंड एडिट आ रहा है ऑप्शन, उस पर आप क्लिक कर दीजिए। क्लिक करने के बाद यहाँ से आप क्रॉप कर लें, यहाँ से आप सिंपल आप क्रॉप कर लें अच्छी तरह से। उसके बाद आप सेव कर लें। सेव करने के बाद यहाँ देखिए यहाँ से ऐड टू पेज पे क्लिक कर दीजिए, आपको पेज आ जाएगा। ये देखिए इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ मैं यहाँ से कस्टम। ये देखिए जैसा रहेगा वैसे ही बना दीजिए आप। ये देखिए थोड़ा इसमें बड़ा है तो मैं बड़ा कर देता हूँ थोड़ा। इस पर आप क्लिक कीजिए, इस पर आप थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। इसको मैं नीचे कर देता हूँ थोड़ा, इसको इधर से भी थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है अब यहाँ से थोड़ा नीचे कस्टम किटो डाइट ये हो गया आपका। ये देखिए अब लगाना है आपको, ये हो गया आपका। अब लगाना है आपको यहाँ से हो गया ना। ठीक है देख लो डाइट फाइंड आउट वाई। उसके बाद आप यहाँ से इसके नीचे लिखा हुआ है गेट योर कस्टम किटो डाइट, आपको एक बटन लगाना पड़ेगा। चलिए लगाते हैं। फिर वैसे ही सेम प्लस साइन पे जाना है, मैंने अब जैसे बताया था आपको प्लस साइन पे जाना है। प्लस साइन पे एक बटन होगा, यहाँ से आप बटन पे आप क्लिक कर दीजिए। बटन पे जाने के बाद यहाँ से ये देखिए बहुत सारे बटन आएंगे, यहाँ से आप जो भी आप कलर करना चाहते हैं कलर पे बटन पे क्लिक कर दीजिए। बटन में ब्लू पे कर देता हूँ। ठीक है यहाँ से मैं थोड़ा यहाँ से चेंज कर लेता हूँ इसको, आप इसको थोड़ा बड़ा कर लें। चेंज करने के बाद यहाँ से मैं यहाँ पे जो भी लिखना है टेक्स्ट बटन के जगह में जो लिखना है यहाँ से क्या लिखना है गेट योर कस्टम किटो डाइट लिख लेता हूँ मैं। गेट योर कस्टम किटो डाइट आप भी जैसे जैसे बना हुआ है बस लिख लें, बहुत ही सिंपल तरीका से। यहाँ से देखिए पूछ रहा है व्हाट लिंक ऐड अ लिंक। अब आपको जाना पड़ेगा आपको क्लिक बैंक के प्रोडक्ट पे, जहाँ भी आप प्रोडक्ट सेंड कर ठीक है प्रोडक्ट पे अपने चले जाएं। यहाँ से मैं देखिए अपने प्रोडक्ट पे चले जाइए, यहाँ से मैं कस्टम किटो डाइट मैंने सेलेक्ट किया था उसके आप देख रहे हैं। उस पर आप जाकर यहाँ से आप प्रमोट पे आएगा कस्टम किटो डाइट, ये देखिए यहाँ से आप प्रमोट पे क्लिक कर दीजिए। प्रमोट क्लिक करने के बाद यहाँ से आप ट्रैकिंग आईडी ऑप्शन डाल सकते हैं, जैसे मैं डाल देता हूँ विक्स पे बना रहा हूँ तो विक्स पे बना डाल देता हूँ। अगर आप दे सकते हैं तो दीजिए ना, तो ऑप्शनल है। यहाँ से जनरेट हॉप लिंक, यहाँ से अफिलिएट लिंक जनरेट हो गया, ये देखिए जनरेटेड हॉप लिंक। यहाँ से आप कॉपी कर लीजिए, कॉपी कर क्लोज कर दीजिए। उसके बाद आप अपने चले आइए विक्स पे, यहाँ से आप ऐड लिंक पे पेस्ट कर दीजिए। यहाँ से आप वेब जाने के बाद वेब एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ से आप अपना अफिलिएट लिंक पेस्ट कर दीजिए।
उसके बाद हम यहाँ से हॉट डिजिट ओपन, कैसे ओपन, न्यू विंडो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे आप करेंट विंडो ओपन कर सकते हैं। न्यू विंडो में नया ओपन विंडो खुलेगा जब भी क्लिक करता है, तो यहाँ से करेंट विंडो, तो यहाँ से आप जो भी रखना चाहते हैं रख लीजिए अपने अनुसार। ठीक है, न्यू विंडो में रखता हूँ। इसके बाद आप इसको कट कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, इसको बीच में ले आता हूँ। आप बस आपको खाली ड्रैग एंड ड्रॉप करना है बस, बाकी आप बना लेंगे सारा। ठीक है, इसको यहाँ से मैं टेक्स्ट को भी थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि देखने में अच्छा लगे। लेआउट में चले जाइए, लेआउट में जाने के बाद यहाँ से आपको टेक्स्ट पे ऑप्शन आएगा, यहाँ से टेक्स्ट पे चले जाइए, यहाँ से फॉन्ट साइज थोड़ा इसको बढ़ा दीजिए बस। ठीक है, इतना यहाँ से कट कर देता हूँ मैं। ये देखिए, ये बन गया आपका लैंडिंग पेज, फ़ोटो भी लग गया। ये देखिए, कस्टम कीटो डाइट, गेट योर कस्टम डाइट, यहाँ से फ़ोटो है, गेट योर कस्टम कीटो डाइट, तैयार हो गया लैंडिंग पेज। यहाँ से आप मोबाइल में भी देख सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ऐसा कुछ दिखेगा आपके मोबाइल में। यहाँ से आप थोड़ा नीचे है तो इसको थोड़ा ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं ऊपर, ताकि मोबाइल में भी अच्छा से दिखेगा यहाँ से आप। ठीक है, इसको भी ऊपर कर लीजिए, ये इमेज को भी थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए। यहाँ से आप बटन भी कर लीजिए ऊपर। ठीक है, यहाँ से आप मेन्यू को तो ज़रूरत नहीं है, तो मेन्यू को आप क्लिक कीजिए, मेन्यू पे यहाँ से आप हाइड कर दीजिए। हाइड मेन्यू का तो कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ से आप कट कर देता हूँ मैं। यह देखिए, मोबाइल में ऐसा दिखेगा, यहाँ से आप डेस्कटॉप में ऐसा दिखेगा। ये आपका हो गया तैयार लैंडिंग पेज। यहाँ से बटन लग गया। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ से पब्लिश कर लीजिए। पब्लिश करने के बाद यहाँ से ये देखिए, चूज अ डोमेन बिफोर यू पब्लिश, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं थोड़ा सा यूआरएल, यहाँ से पूरा नहीं चेंज कर सकते, यहाँ से थोड़ा सा वैसे मैं दे देता हूँ, कीटो डाइट दे देता हूँ, जो भी आपको देना चाहते हैं वो दे दीजिए। चेंज भी करना चाहते हैं तो चेंज करिएगा, नहीं चेंज करना है तो नहीं कर सकते, आपकी मर्जी। यहाँ से सेव एंड कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ से योर साइट इज सेव्ड, ठीक है, सेव्ड हो गया, यहाँ से डन कर दीजिए। डन करने के बाद यहाँ से ये देखें, यहाँ से विजिट सेट कर सकते हैं, ये आपका लिंक है। ठीक है, यहाँ से आप डन कर लीजिए। चलिए मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ कैसे ओपन होता है, यहाँ से मैं इसको दिखाता हूँ। मैं पब्लिश कर दिया मैंने, पब्लिश पे यहाँ से आप, मैं लिंक को कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ से कॉपी करने के बाद यहाँ से मैं कट कर देता हूँ, दूसरे टैब खोल के यहाँ से मैं पेस्ट कर देता हूँ अपना लिंक। ये देखिए, कुछ ऐसा दिखेगा अपना पेज, लैंडिंग पेज यहाँ आपको जाएगा, तो ये देखिए कुछ ऐसा खुलेगा आपका, कोई जिसको आप सेल करना चाहते हैं वो ऐसा दिखेगा इसको, जो भी गेट योर कस्टम कीटो पे क्लिक करेगा। ठीक है, ये बन गया आपका लैंडिंग पेज। ठीक है, वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा होगा, तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें। ठीक है, थैंक यू, बाय और जय हिंद।